राम राम किसान भैया। तो कहला सबके भाई, आज हम आपको दिखाने वाले हैं न्यू लैंड का 36002 ऑलराउंडर प्लस ट्रैक्टर। तो भाई आज हम इसके बारे में बात करें, जो इन भाई साहब हैं, इनसे विनोद भाई साहब हैं, इनसे जानें कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो इनको ये ट्रैक्टर इतना पसंद है, जिस कारण से इन्होंने ये ट्रैक्टर लिया है। 50 HP का भाई ये ट्रैक्टर ये रहने वाला है। तो इसके बारे में इनसे सारी चीज़ जानेंगे इसकी, और एक ये किस टाइप की खेती करते हैं तो खेती के बारे में इनसे जानेंगे, इनको फसल के रेट मिलते हैं क्या नहीं मिलते, तो उसके बारे में आज इनसे बात करेंगे। तो राम राम भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब नाम क्या, कहाँ से हो? नाम विनोद कुमार, गांव गंगुआ, कैमे रोड। अच्छा, गंगुआ गांव से है आप यहाँ पे स्पेशल, क्या करवाने? ये तो थोड़ा मशीन का काम करवाने आए हैं, मान लो। अच्छा। हाँ जी, बिजाई मशीन का। ओके, यहाँ पे आप है। हाँ जी। तो जो ट्रैक्टर आपने लिया, इसके लेने के पीछे क्या कहानी थी आपकी? भाई माम तो ये ट्रैक्टर लेवाएंगे, क्या सोच के लिया था आपने? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे मान लो पहले मेरे पास छोटा ट्रैक्टर था, वो काम के हिसाब में मान लो छोटा रह गया, फिर ये बड़ा 50 HP लिया है, और कोई दिक्कत नहीं है, सही है, मान लो ट्रैक्टर बढ़िया। हाँ जी। तो इससे पहले आप कौन सा चला करते? इससे पहले सबसे पहले था जी मेरे पास 241 आइसर, फिर उसके बाद में लाया जी मैं 241 मेसी फॉर्मेशन, और फिर ये लाया हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मेसी चला लिया आपने, आइसर चला लिया। हाँ जी। अरियो चला लिया। हाँ जी। कौन सी ब्रांड बढ़िया लगी आपने? देखो, काम के हिसाब में, औजारों के हिसाब में, हर चीज़ अपनी जगह बढ़िया है, हर ट्रैक्टर अपनी जगह बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। हाँ जी। आपको कौन सा बढ़िया लगा और किस काम में बढ़िया लगा वो ट्रैक्टर? मेसी ट्रैक्टर भी बहुत बढ़िया था जी, और ये भी बहुत बढ़िया है। मेसी ट्रैक्टर अपना कौन सा काम में बढ़िया आया पसंद? मैं उसको थ्रेशर पे चलाता था जी। अच्छा। जी, बिजाई बान सब काम करता था। अच्छा। वो छोटा इसलिए पड़ गया कि अभी रोटावेटर का काम आ गया, तो वो रोटावेटर चला नहीं सकता, तो अब इसके पीछे रोटावेटर, इसलिए बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ा। वो कितने HP का था? वो था जी 42 HP। जो 50 HP है नहीं, तो क्या फ़र्क फील हुआ आपने, मतलब कितनी HP में आप इस पे आए, 50 HP पे आए आप, तो आपने क्या फील किया इसके अंदर? नहीं, फील तो ये ना कि वो 42 HP था, तो वो काम मान लो कम हो गया, रोटावेटर नहीं चलाता, ये रोटावेटर के लिए लेना पड़ा 50 HP। अब सुपर सीडर आ गया, तो ये छोटा पड़ेगा, अब अगले साल कोई और चेंज करेंगे। कौन सा? वो तो टाइम बताएगा, वक्त बताएगा जी। फिर भी आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो टाइम बताएगा कौन सा, इतना क्या पता, आजकल हर महीने 2 महीने में चेंजिंग आता है मॉडल में। अच्छा। कंपनियां एजेंसी चेंज करते हैं। लड़कों दिमाग को इन बात में मत पूछो, ले रखते हैं जिस हिसाब में काम बढ़ता रहे, जिस हिसाब में चलता रहे, उस हिसाब में ट्रैक्टर बदला है, चेंज किया अपन तो। अच्छा, तो यो तेल की बात कर रहा, रोड पे कितना तेल पी ले यो? ये देवा जी 8 से 10-12 लीटर की एवरेज। अच्छा, जी। कुछ तो खुश हो गए, कम है कहीं है? खुश हैं जी, बढ़िया एकदम। अच्छा, जो मैसी था, आइसर था, वो कितना पिया करते? इससे कम था उनका खर्चा। अच्छा, लेकिन काम इतना कौन गया करते? हाँ, वो मान लो पावर के हिसाब में काम था उनका, वो 42 HP था, ये 50 HP है, आइसर 22 HP था, उस हिसाब में तेल का फर्क पड़ता है। कल को 60-65 HP जाऊँगे तो वो इससे ज़्यादा तेल और फालतू खाएगा, काम करेगा तो तेल खाएगा। अच्छा। हाँ जी, हिसाब से रही बात। आप इसमें जब खेत में काम करो हो, तो उन्होंने बताओ कि हर संज में कितना तेल पी हुई हो? देखो जी, हर संज के पीछे कोई भी ट्रैक्टर हो, एरो के अंदर अलग पिएगा, रोटावेटर में अलग पिएगा, बिजाई मशीन में अलग पिएगा, ट्राली में अलग, हर काम मान लो काम के हिसाब में अलग तेल होगा जी। यो कितना पी मामू पूछा आपका? किस चीज़ में जी? हर संज में। ये रोटावेटर में लगभग 5 से 5.5 लीटर। पर किसा काम करो उसमें? हाँ जी, एरो में 2.5-3 लीटर तेल। अच्छा। हाँ जी, बिजाई में 1.5-2 लीटर के लेगा। तो आपके हिसाब से कम है क्या, ठीक है? नहीं, मेरे हिसाब में तो बढ़िया जी एकदम। अच्छा। हाँ जी, एक आजकल जो ये डीजल के रेट हो रहे हैं भाई साहब, क्या कहना चाहो इन पर? नहीं, रेट तो जो हो रहे हैं वो तो मान लो अलग ही बात है,
उसका तो मान लो ट्रैक्टर से तो कोई भाई का है, दर्द में भाई है नहीं, दर्द तो देखो है ही कुछ चीज़ में तो, लेकिन अभी तो कुछ डाउन आए हैं तो सीजन में 10-12-13 रुपए टूटे तो उससे भी बहुत मान लो राहत मिली है। अच्छा पहली तो खूब दिखो तो आकर दिए, पहले तो 99 से प्लस कर गया क्योंकि मैं शांति मिली टी साउंड लगाई मैंने। हां जी कुछ ऐसा है तो यो कद लिया था आपने, ये लिया जी 2017 में। अच्छा तो उस टाइम तक लेके ईब लग, आज तो कोई खर्चा महंगा इसने नहीं, अभी कोई काम नहीं करवाया जी। अच्छा हां जी बस करवाइए या सर्विस? हां जी सर्विस। उसका क्या खर्चा हुआ है सर्विस का? 4 से 4,500 रुपये। आपके हिसाब से कम है क्या? ठीक है नहीं ठीक है। जो मैसी आइसर थे उनकी क्या करता खर्चा? 3,350-3,3,200 मतलब बराबर ही वैल्यू। हाँ जी तो वैसे ये बड़ा हो गया उनसे तो अलग है। अच्छा तो गाड़ी जो है लाइट दे रखी भाई साहब, इनका रिस्पॉन्स कैसा है रहतने? नहीं इनका इतना बढ़िया नहीं है, है? बढ़िया नहीं है। क्यों? अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उसके अंदर बढ़िया सिस्टम दे रखे है, LED लाइट दे दी, इसमें सीधे सिंपल पहले वाले ही बल्ब है। हाँ सिंपल बल्ब भाई। अब जो ट्रैक्टर आ रहे हैं मान लो साल दो साल में उनकी लाइट तेज है। ये भाई लाइट तो बढ़िया होनी चाहिए, जब कि मैं आकर दिखेगा आपने रहते मान लो आपको खेत में काम करो हो कोई सा सामान पड़े आपका जो टूटना नहीं चाहिए, क्या वो टूट जाए ट्रैक्टर का बोस्ट है टूट पीस का भाई। बोल रहा हूँ भाई साहब कि आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले भाई आप अगले साल कौन सा ट्रैक्टर ले रहे हो, तो यही तो बता रहा हूँ मैं, कंपनी हर महीने दो महीने में चेंजिंग करते रहते हैं तो साल तो बहुत बड़ा हो जाता है, अभी साल बड़ा है तो उसके बाद में देखेंगे। तो आगे से जो वेट दे रखे हो ठीक है क्या कम है? वेट तो इसके अंदर और लगते हैं जी, ये कंपनी वाले देते नहीं है साथ में। कौन देंगे? ना तो आगे तो हलवा ट्रैक्टर उठे है, हल्का है जी बिल्कुल, नो लैंड ये हल्का ट्रैक्टर है आगे से। अच्छा कौन सा हल्का देख लो भाई, 3600 2 ऑलराउंडर प्लस। भाई साहब बोलते कि आगे से ट्रैक्टर इसके अंदर वेट नहीं है, तो आप क्या मानते हो इसके बारे में हमें बताना है प्लीज़ कमेंट करके। रोटावेटर में उठता है जी ये। कितने फुट? 7 फुट रोटावेटर है जी, उसके अंदर भी उठता है आगे से। कितने फुट उठ जाए हो? ये फुल उठ जाए, मान लो अगर जो पीछे कोई एक आदमी चढ़ जाए तो 5 फुट। तो पेंट क्वालिटी किसी लगी आपने इसकी? पेंट क्वालिटी ठीक है जी। इतनी बढ़िया कौन लगी? नहीं इसमें मॉडल में भी पेंट क्वालिटी में इनके पास 2-3 मॉडल में है, दो मॉडल है, एक इससे ऊपर और है उसका पेंट अलग है जी। जरसा लग गया है नी? ये तो मान लो रंग सा उतर गया, शो से हो गया ना ये खोला जब। अच्छा नु फिलहाल तो पेंट तो कौन उतर है लेकिन ठीक ठाक है नी? थोड़ी तो मिट्टी हो गई, उसमें माफी मांगा हम की अभी भाई मिट्टी तो उड़ देर में हो रहा है। तो एक्सेल किसे लग गया आपने इसके? नहीं ठीक है ठीक काम कर अपना हिसाब से है। बढ़िया जी पावर स्टीयरिंग है नी? हो जी। अरे आपने चलाए हुए 7 दे? तो 7 दे में पावर स्टीयरिंग में कैसा मजा है, मतलब चेंजिंग कितनी फील होती है? बहुत ज्यादा फर्क है मान लो सादा स्टेयरिंग और पावर स्टेयरिंग का तो दिन रात का फर्क है जी। इसमें मान लो काम करते हुए मान लो ट्रैक्टर में ट्रैक्टर पे ड्राइवर को जोर कौन आवे, आसानी होवे, थकावट कौन आवे शरीर में, तो बहुत फर्क है। क्या बात है। तो जो इसकी हाइट दे रखी है आपके हिसाब से ठीक है? हाँ जी हाइट ठीक है जी। है नी किसी थोड़ी हाइट ऊँची दे रखी है नी, और हम थोड़ी सी वो हो गए नीचे फिर नीचे तो वो लागन का डर होगा कभी आई नहीं टूट जाए यो नहीं टूट जाए। इस मोटर में और आ रहे उसकी हाइट और ऊपर है। अच्छा हाँ जी उसमें टेर बड़े दे दिए आगे वाले। इसमें कितने के हैं? इसमें 14-28 के। 14-28 के तो सही काम करा टायर है, ग्रिप बढ़िया है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो आपने कितना बजा लिया तेजी हो? तेल के रोड पर तो तेज कर चलाए को नहीं अपने, मैं चाहे मोटरसाइकिल हो जी चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रैक्टर में कभी तेज नहीं चलाता। अच्छा हाँ जी 15 माइल है स्पीड इसकी? हाँ जी 15-20। तो उस टाइम फिर आपने कहते खड़े ब्रेक मारे ही बीच में, आप जाओगे कोई गम मत जाओगे तो रोड पे एकदम ब्रेक मारने पड़ जाए, तो उस टाइम पे ब्रेक किसे काम करें इसके? नहीं काम से करें बढ़िया जी। अच्छा हाँ जी जो आपने और पानी पानी का टैंकर हो ट्राली हो लोडिंग उसके अंदर तो कोई भी ट्रैक्टर ले लो जी ब्रेक काम नहीं करेंगे। अच्छा हाँ जी लेकिन इसी करें उसमें नहीं कोई भी ट्रैक्टर हो जी किसी ट्रैक्टर के नहीं करते जी काम। अच्छा लोड लोड नहीं उसमें
जो भी कोई पानी का टैंकर हो गया, ट्राली होगी, वो पीछे से धक मारती है जी, तो ट्रैक्टर के ब्रेक लग जाएंगे लेकिन टायर चलते रहेंगे, उसमें काम कौन करेगा। तो भाई, भाई साहब ने फुल नॉलेज है ट्रैक्टर के बारे में। आप देखो भाई साहब, मतलब सीधे कैसे बताऊं मैं, तो आज तक कोई जो टंकी हुई है इसमें लीकेज कड़ियाँ तो। अच्छा, एक उठा लो फोन, फिर कर लो बात एक बार, तो फिर भाई साहब बात कर लें, फिर भाई से बात कराएंगे इसके बारे में, और चीज़ जानेंगे जो भाई साहब ये काम करवाएं। इसके अंदर भाई काम भी कराने लग रहे हैं साहब। दो मिनट और बताओ, जो इसकी जो क्लच दे रखी किसी काम कर है? नहीं, क्लच बड़ी है। अच्छा, हाँ जी, क्लच बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हाँ जी। अच्छा, और गेरा में कोई और दिक्कत लगाने में है? ना, कोई दिक्कत। 3 लाख आराम से अटकते तो कौन गड़िया थे? अच्छा, आपने लगाते कितने घंटे चलाया है बिना रुके? बिना रुके से कितने चलाओ, सुबह 7-8 बजे चढ़ते हैं मान लो, तो रात में 12-1 बजे सारा दिन, सारी रात चलते हैं। बताइयो ना ना, गर्म क्यों होगा जी, इसके अंदर तेल पानी पूरा रखो, गर्म क्यों होगा? अच्छा जी, ईटिंग इशू कोई अंदर नहीं इसमें? ना ना। अच्छा, इसकी लिफ्ट किसी काम कर रहा है आपके हिसाब से? नहीं, लिफ्ट बढ़िया है, मैं तो आज तक कोई दिक्कत आई नहीं। कितना वेट है लिया आपने इस पर, कुछ पता है आपको? वेट तो मान लो इतना नहीं पता, लेकिन लिफ्ट में कोई दिक्कत कौन मान लो। अच्छा, क्या बात। एक बात बताओ कि दो एक मिनट, अपने तो किसान भाई ने उन खाते कि आज के टाइम पे किसान भाई कितने दर्द में हैं, क्या उनको फसल के रेट मिलते नहीं मिलते, और आजकल ना कह रहे हैं कि बीज में घपला चल रहा है, मतलब ब्लैक में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या मानना है भैया? नहीं, बीज में कोई घपला नहीं चल रहा, DAP खाद नहीं मिल रही, और बीज तो कितना ले, बीज तो फुल है। हाँ जी। अच्छा, और आपको फसल के रेट मिल रहे हैं? नहीं, फसल के रेट बढ़िया जी, क्या दिक्कत है। अच्छा जी, मतलब सही चल रहा है जी। और खेती करने में कितनी आजकल मुश्किल का सामना कर रहे हो भैया? नहीं देखो, जो भी कोई काम करेंगे तो मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी, क्या बात। कभी कोई मान लो, कभी पहले भी तो सरसों 3,000-3,200 से ऊपर कभी नहीं बिकी, अब की बार 8,500-8,500 रुपये चली गई। हाँ जी, तो क्या दिक्कत है, रेट बढ़िया मिल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नरमा खराब हो गया, धान खराब हो गया, वो तो भगवान के हाथ में, बारिश आ गई, बारिश सरकार के हाथ में क्या है? हाँ, सरकार के हाथ में क्या है, कोई दिक्कत नहीं। कोई खराब हो गई उसकी कुकर लगी, बिल्कुल देखना चाहिए भाई, बिल्कुल जी। तो भैया, अगर आप ये वीडियो देख के ना कोई ये ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उसको लेनी चाहिए आपके हिसाब से ट्रैक्टर ये? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जी, मेरे लिए तो बढ़िया, मेरे को तो 5 साल हो गए, बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत को नहीं। अच्छा जी, आपके हिसाब से लेना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो थैंक यू भी, आपने टाइम दिया। ठीक है जी, ओके। तो भाई, ऐसी कुछ थी आज की वीडियो जो कि आपने भी देखी, तो भाई बताना कि आपको कैसी लगी, और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो भाई कुछ समय के लिए और देख लो, एक अपना भाई है सौरभ भाई, उसके शॉप है जहाँ पे मैं भाई ये वीडियो बनाता हूँ भाई, जो किसान भाइयों की, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे आते हैं अपना किसान भाई आते हैं अपने जो ट्रैक्टर के अंदर काम करवाने के लिए, तो सोचा कि यार भाई का भी कुछ हम सपोर्ट कर देंगे, यार अगर कोई किसान भाई अपने ट्रैक्टर के अंदर, ट्रॉली के अंदर कोई क्या भी कोई संज है उसके अंदर काम करवाना चाहता है, तो एक बार भाई आप यहाँ पे आना, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे सौरभ भाई मिलेंगे, तो उनसे मिलना आप, और मेरा नाम लेना कि वीरेंद्र भाई जी जो वीडियो है हम उसको देख के आए हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो भाई आप, तो एक बार भाई मैं आपको ना 5-10 मिनट इनके जो शॉप है इसके बारे में बताता हूँ कि इनकी शॉप कहाँ पे पड़ने वाली है, आप फ़ोन नंबर मिलेंगे, क्या लोकेशन रहेगी, और अगर किसी किसान भाई को अपने जो ट्रैक्टर उसकी वीडियो बनवानी है तो भाई आप यहाँ पे आ जाना। मैं मेनली भाई दोपहर को 1 बजे से लेके और 3 बजे तक मैं आपको मेनली यहाँ पे मिल जाऊँगा, तो आप अपना जो ट्रैक्टर इसको लेके यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको नई शॉप दिखा रहा हूँ भाई, शॉप देख लो, ये कैमरी रोड है भाई, ये जो सामने आर्यन स्कूल है ना, इसके सामने आपको जो इनका शॉप है ये रहने वाली भाई, काफ़ी बड़ी शॉप है भाई ये, और हिसार के अंदर भाई, काफ़ी अच्छा नाम है शॉप का। जब भी भाई मैं इनके पास आता था वीडियो बनाने, तो जब स्टार्टिंग में जब आया था मैं इनके पास, तो किसी ने मेरे को राय दी थी कि यार एक बार आप ना यहाँ पे जाओ सौरभ भाई के पास, और भाई अभी आया हूँ, देख लो सुबह से लेके अब तक ना करीबन 5-10 ट्रैक्टर आ लिए इनके पास, दो तो अभी आए मेरे सामने ही, तो काफ़ी ज़्यादा इनके पास जो ट्रैक्टर वो आते रहते हैं भाई। तो एक बार चलिए मैं आपको इनका शॉप ये दिखाता हूँ, देखो भाई
ये ट्रॉली आई हुई इनके पास, इसको भी तैयार करेंगे। देखो लगभग कर ही दिया तैयार। जो ये चादर ना भाई, ये लगाइए, देखो यहाँ पे लगाइए और वहाँ पे लगाइए और पीछे लगाइए, मतलब ये चादर लगने वाली है। तीन से लगी थी इसके, मतलब देख लो आप यहाँ पे कैसा काम किया गया। किसान भाई आप बताओ कि ये आपको काम कैसा लगा है इनका देखने में। और सौरभ भाई की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, देखो कितना बड़े तरीके से भाई काम किया। और भाई खुद भी काम करते हैं और शॉप को भी संभालते हैं, ठीक है। और ये इतने भाई हैं, ये सब इधर रहते भाई। आपको मैं जो किचन है वो भी दिखाऊंगा और कहाँ पे सोते हैं वो भी दिखाऊंगा। एक प्रॉपर इनका शॉप का टूर देने वाला हूँ भाई मैं आपको। और ये क्लिप मैं आपको मेरी जो हर वीडियोज होंगी ना उनमें ऐड करने वाला हूँ, ताकि अगर कोई किसान भाई ये वीडियो नहीं देख रहा तो अगली वीडियो में देख के इनके पास आए और एक बार काम करवा के देखे। आप खुद बोलो कि वीरेंद्र भाई तूने बढ़िया जो शॉप हमें वो दिखाई है। तो भाई ये ट्रॉली इसके अंदर देखो काम हो रखा है, जो चादर लगी है भाई इसके अंदर, ये देखो पीछे भी साइड में और ये दोनों हिस्से में और पीछे लगी हुई जो चादर है भाई आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी देखो थोड़ा जड़ी की स्मेल आ रही है कि भाई वहाँ पे थोड़ा वो काम चल रहा है भाई साहब का। देखो आप यहाँ पे ये काम हो रहा है भाई इसका। तो अगर आपको ऐसा काम करवाना है अपना जो ट्रैक्टर उसके अंदर, तो आप यहाँ पे ज़रूर आना, ठीक है। देखो भाई ये कि ऐसी जो सारी ट्रैक्टर की होती है समझ, आपको यहाँ पे सारी मिलने वाली है रिपेयर के लिए। आप यहाँ पे हो रहे हैं वो जो राजू भाई साहब वहाँ पे काम कर रहे हैं, एक बार चलिए उनसे मिलते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो देखो भाई ये राजू भाई साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो भैया, राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हो इसके अंदर आप? अच्छा तो वो ठीक कर रहे हो है? क्या बात। तो राजू भाई साहब ये कर रहे हैं, आप चेक करो देखो क्या बात है। तो एक बार मैं आपको सुनूंगा जो शॉप पे इसका टूर देता हूँ। तो यहाँ से होते हम स्टार्ट, ये इनका है किचन। तो यहाँ पे भाई इनका ये किचन ही रहने वाला है, देखो आप यहाँ पे। तो इधर ही रहते हैं, इधर ही खाते हैं और इधर ही सोते हैं। देख लो भाई इनका ये कमरा है, ये सारी शॉप भाई सौरभ भाई की है, देखो आप यहाँ पे। और जो मैं कहते ना वो चादर वाला काम, देखो यहाँ पे वो काम चल रहा है अभी, यहाँ पे देखो ये काम शुरू हो रखा है। तो जो नीचे वाले एरिया ना भाई उसको निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। फिर उसको निकाल के इसके ऊपर जो नई चादर भाई वो लगाएंगे, ट्रॉली को नया बना देंगे। अभी ट्रॉली को पूरा खोल दिया गया है चारों ओर से, फिर ट्रॉली को एक अच्छी तरीके से एक नई दुल्हन की तरह तैयार करने वाले हैं भाई। जो ट्रॉली को देख लो भाई आप यहाँ पे, क्या बात है। क्या नाम था इस भाई का? रोशन भाई कर रहे हैं भाई ये। भाई बोला हाथ ही ला दे, देख भाई रोशन भाई को आप देख लो। तो ये है, तो यहाँ पे भाई इनका अपने कमरा देख ले भाई, इधर ही रहते हैं ताकि जो कस्टमर को ना प्रॉपर तरीके से काम करके जाएं, ताकि कहीं और क्या होते हैं मेरे को जाना भाई घर पे जाना है 5 बज के 6 बज के चलो हम जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। प्रॉपर तरीके से इधर ही रहते हैं और भाई 7 के 7 दिन ये खुली रहती शॉप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अगर हम इसके साइड की तरफ आते हैं यहाँ पे भाई, आपको जो ये ओका दरा हुआ है, जो हमारे भाई साहब है कोई ओका पीने का शौकीन है, तो यहाँ पे ये ओका पी सकते हैं। ये पीछे भाई सरसदा मिलने वाला है, जो यहाँ पे भाई ये कुछ चीज़ तैयार कर रहे होंगे भाई, आग का पता नहीं, ओका के लिए तैयार कर रहे होंगे भाई ये। यहाँ पे भाई पीछे की तरफ इनका जो ये ओपन एरिया, ताकि कोई सामान आया हुआ है उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे रखा जाए। क्या मान लो कि संजय है उसको ना टाइम लगने वाला है 4-5 दिन, तो पीछे की तरफ आप यहाँ पे उनको ये रख देते हैं, ठीक है। तो भाई देख लो पूरा खुला एरिया है, ये नहीं है भीड़ भाड़ में कोई है। और भाई साफ सफाई का भी ध्यान दिया हुआ है कि आजकल भाई डेंगू बहुत फैल रहा है शहर के अंदर, तो मच्छर बहुत हैं कीटाणु, तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आप देख लीजिए भाई, यहाँ पे इतना कोई खास नहीं दिखाने लायक, जो दिखाने लायक आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये ट्राली की को तैयार कर रहे हैं भाई यहाँ पे रोशन भाई साहब। तो अगर मैं आपको इनकी जो शॉप वो दिखाता हूँ, चलो वो कुछ मतलब ना 1 2 3 4 5 मतलब 5 इनकी ये शॉप इकट्ठी है भाई ये रहने वाली है। ये भाई इनका यहाँ पे बैठने के लिए भी
जो सौरभ भाई है वो भी जा रखे हैं मार्केट के अंदर, अभी आ जाएंगे, उनसे मैं आपको मिला दूंगा, उनका नाम फोन नंबर मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूँ। और अगर यहाँ पे बात करें, देखो भाई सारे टूल आपको मिलने वाले हैं भाई इनके अंदर, सारे टूल देखो यहाँ पे सोने के लिए भाई साहब और नहीं दिया भाई, देखो ये खजाना है भाई, जो ये मान लो कि जो ट्रैक्टर को रिपेयर करते हैं या फिर कोई कार को भी रिपेयर करते तो उन सभी के लिए खजाना है भाई ये। और इनके पास भाई हर टूल का आपको यहाँ पे सामान मिलने वाला है, देख लो आप यहाँ पे, मतलब यार इतने नट बोल्ट भाई क्या आपने कभी देखे अपने जीवन में, देखो कितने नट बोल्ट, देखो हर प्रकार के भाई, छोटा से लेके बड़े से तक, ये हो गया देखो कितने नट बोल्ट है, देखो क्या टूल, देखो भाई हर टाइप के टूल, पूरी बाल्टी भर रखी है टूलों की। देखो अगर आप कोई भी चाबी पन्ना आपको अगर मिलता नहीं है ना कहीं पे भी, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला अपना जो ट्रैक्टर उसके अंदर, कहाँ आना पड़ेगा सौरभ भाई के पास, जो कैमरी रोड पे आपको ये शॉप ये रहने वाली आर एन स्कूल के सामने ही। ये तो भाई आपको जो क्लिप आपको मेरी हर वीडियोज में मिलेंगी जो यहाँ पे बनने वाली है, और मैंने सौरभ भाई को बोल दिया भाई आपकी मैं जो मैं क्लिप डाला करूँगा ताकि भाई आपका कुछ फायदा हो, ठीक है, हमारी जो वीडियोज है, अगर हमारी वीडियो से अगर एक किसान भाई भी आता है इनके पास तो भाई मैं बोलूँगा कि मैंने एक बढ़िया काम किया है सौरभ भाई के लिए। तो भाई जो भी हमारा किसान है भाई ये वीडियो देख रहा है भाई, एक बार प्लीज आना इनके पास, ठीक है, एक बार आके देखोगे ना, बार बार आओगे इनके पास काम करवाने के लिए, बस इससे ज़्यादा भाई आपको मैं क्या बताऊँ। देख लो भाई आप यहाँ पे हर टाइप का टूल मिलने वाला, हर टाइप का, क्या बात है, हर टाइप की जो एक गिरारी होगी देख लो भाई, क्या बात है, किसान भाइयों के लिए तो भाई ये जन्नत है देख लो। तो भाई देखो आपको कुछ ऐसी मिलेगी, यहाँ पे भाई सोने का सामान रखा हुआ है। अगर हम पीछे की तरफ आते हैं भाई, देखो इनकी शॉप का टूर देखो पीछे ही भाई, ये नहीं गए, देखो यहाँ पे भी आपको कुछ ये सामान मिलने वाला भाई, देखो ये दो खाट रखी हुए हैं, और क्या बात है देखो, ये तो भाई पीछे कोई वो सामान है जैसे कि कोई और चीज़ दिखानी हो, तो यहाँ पे देखो भाई यहाँ भी आपको सारा सामान मिलने वाला, देखो क्या बात है, गजब चीज आपको मिलेगी भाई यहाँ पे, देखो ये भाई के सौदा जो पूछा है भाई साहब तो ये काटन का सौदा पाऊंगा यो है नी भाई, मैंने इतना मेरा को नहीं बताया या कौन सी मशीन है यार, सर भाई तो पूछा है कौन सी मशीन है, जब आ जाएंगे नी उन तो पूछा है कौन सी मशीन है यार, देखो भाई ऐसा कुछ भाई अपने को मिलेगा देखने, ये सारी यार सामान दे रखा जो समझ होगी ट्राली होगी क्या फिर जो ट्रैक्टर उसको कुछ भी सामान डालना उसको कुछ चीज़ का ठीक करनी हो, और देखो भाई ये कुक मिलेंगे अपने ट्राली वाले भी, कि कई ट्रैक्टर क्या करें कि यार मैं थोड़े छोटे हुक दे रहे हैं इतने बड़े हुक कौन देते, तो आप आड़ है कि उनका हुक बनवा लें, देखो कितना बड़ा हुक मतलब शानदार हुक ये बना रखा मतलब कि हैवी वाला, ठीक है, देख लो भाई अपना आड़ा सारा सामान मिला, देखो ये टूल देखो कितने सारे, ओड़े देखे उड़े देखे टूल है टूल है, देखो नरे देखिए मतलब कि अलग सिस्टम खड़ा करे क्या सौरभ भाई ने भाई उड़े देख लो ऐसा कुछ आपने मिलेगा, तो सौरभ भाई आओगा तो उसके बाद मैं आपको मिलाऊंगा सौरभ भाई का, जानेंगे इन तय इनकी शॉप के बारे में, कड़ा इनकी शॉप, इनके फ़ोन नंबर हैं, देख लो भाई यह चादर हुआ है जो ट्राली पे पीछे है, यह इस पर आवेगी जो ट्राली आप दिखे इसने नहीं बना देंगे, इस पर चादर लगा देंगे, ठीक है ट्राली की, तो देखो आप ये सारी कैट दिखाते इसने भी कैट देंगे कुछ टाइम के बाद, अभी अगर भाई सब जो राजू भाई वोड़ा काम कर रहा है तो इसने पूरा निकाल देंगे आटे, ठीक है, तो उसके बाद जो है चादर इस पर अभी छाई जाओगी चादर, आप यार देखो तो जो रोशन भाई साहब है ये लगाओगे इसके अंदर, तो देखो आपने कुछ ऐसी मिलेगी भाई शॉप भाई, अगर सौरभ भाई का आने का वेट करते हैं तो भाई आपने ऐसी कुछ शॉप ही रहने वाली, और चलिए अगर जानते हैं इनसे ना इनका नाम फोन नंबर शोरूम की लोकेशन क्या, जो सौरभ भाई उनसे, तो आपके नाम फोन नंबर और शोरूम की लोकेशन आपकी केयर होगी, एड्रेस तो यही है पंजाब का सी अंदर शॉप का नाम है, अच्छा स्कूल के अपोजिट साइड में है, कैबिन रोड पे है, अच्छा 4 से 4 किलोमीटर, अच्छा आपका फोन नंबर क्या होगा, फोन नंबर रहेगा 9138293226, अच्छा वह अगर किसी ने काम करवाना जो अपने जो ट्रैलीज के अंदर तो आप यहाँ पे प्लीज आए।